वेलकम टू फिटनेस विद टेस्टी फूड। आज मैं शेयर करूंगी लेमन पेपर चिकन विंग्स या लेमन बटर चिकन रेसिपी भी आप इसे कह सकते हैं। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1/2 kg चिकन यहाँ पर ले लिया है। अब इसमें मैं 1 tablespoon लेमन जूस डाल रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद जाएगा इसमें 1 cup दही, फ्रेश कर्ड है ये, मैं आप घर पर बना हुआ दही भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। अब जाएगा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और अब इसमें धनिया और ये मिर्ची का पेस्ट मैंने ले लिया है। हरी मिर्ची का पेस्ट इसमें डाल देना है, ये ऑप्शनल है, अगर डालेंगे आप तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। बस अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन में और इसे मैरिनेट कर लेना है 1 घंटे के लिए। आप चाहे तो 1 night भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे चिकन उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। अब जो हमारा फाइनल लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 2 tablespoon जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डाला है। मैंने आयरन की कढ़ाई को अच्छे से हीट कर लिया। इसमें 1.5 tablespoon ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ बटर डालें अगर बटर चिकन बनाना चाहते हैं तो। इसके बाद 1/2 tablespoon यहाँ पे जीरा डाल देना है, यानी कि क्यूमिन सीड। अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो सारा मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इस चिकन को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हमें चला लेना है 2 से 3 मिनट तक। पेपर चिकन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अब हम इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि चिकन अच्छे से हमारा सॉफ्ट भी हो जाए। इसे 6 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया, उसके बाद खोल के देख लिया। आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा सॉफ्ट हो गया है काफ़ी। इसे स्पून से मैंने पोक करके देख लिया है, चिकन हमारा पक चुका है। जो पानी रिलीज़ किया है इसे हमें ड्राई कर लेना है। फ्लेम को हाई रखते हुए इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। देख सकते हैं आप, इसका पानी ड्राई होने लगा है। इसे 5 से 6 मिनट लगे मुझे ड्राई करने में। खाने में ये बटर चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जो ये ग्रेवी है उसे बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, आपको इस स्टेज तक ही इसे पकाना है। गार्निश करेंगे हरा धनिया से, राइस या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।